अगर वक्त हो आपके साथ और हौसले न छोड़े आपका हाथ, तो उड़ान निश्चित है। ABCA के इस खूबसूरत सफर को आज पूरा एक साल हो गया। आप सबके साथ और प्यार ने हमें कुछ नया करने का जज्बा दिया। यह तो शुरुआत है, अभी तो दूर तलक जाना है। आपके साथ कई नई मंजिलों को छूना है और नए नए रास्ते बनाना है। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। पूरे स्कूल में कोई नहीं था मेरे जितना हैंडसम और गोरा। देवकोट, आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी क्या? देखिए और मजा लीजिए। अरे पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस बार कम से कम 10,000 लाइक चाहिए। अब तो बहुत बड़ा बवाल खड़े होने वाला है, तो चलिए देखते हैं हमारी नई वीडियो। अरे ऐसे कैसे, अभी देखते हैं। सिली जूनियर, एक्सप्रेशन हमारे और इंप्रेशन उसका, इतना भी हैंडसम नहीं है वो। पूरी वीडियो में मेहनत हमने की और फुटेज ले गए ये देव। अरे हमारी भी होती थी स्कूल में चर्चा, कभी खाली नहीं रहा हमारे दिल का वाला पर्चा। वेट एंड वॉच, अभी हवा टाइट करते हैं इसकी। देव की हवा टाइट करोगे? देव की 5-5 बार थिएटर में नेशनल जीत के आया भाई। अब देखो देव की एक्टिंग का जलवा, सुपर मासूम देव। क्या हो गया भैया? वो भी हमारे सामने। श्रुति, मी तो नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बता तो जरा, स्टेट लेवल कंपटीशन में क्या रोल मिला था तुझे? बैगर का। अच्छा बेटा, अंग्रेजी भिखारी बोलते हुए शर्म आ रही है। और वो जो अमृतसर गए थे, बता बता, अब नहीं बोलेगा। ये बन रहा था मोर, इसकी मोरनी हम बनाएंगे। सॉरी भैया। बस यार, बस करो, बहुत बैंड बजा दी बेचारे की। अरे देव, हम तो तेरी ले रहे थे यार। और वो जो तेरी फटी थी स्टेज पर, पैंट फटी थी मेरी। हाँ, पैंट फटी थी। यार देव, तेरे बहाने सबको स्कूल की मेमोरीज याद आ गई। कुछ भी कहो, हीरो मटेरियल तो है। सच सच बता, दिन में फेरे लवली कितनी बार लगाता है? अरे बस करो भाई, मार ही डालोगे क्या? आगे से हीरो पत्ती ना किसी और के आगे दिखाई हो, हमारे आगे नहीं बेटा। ओ मिस्टर श्रेष्ठ कुमार, याद है भैया जब आप साइंस स्ट्रीम से ह्यूमैनिटीज में आए थे? वो भी क्या डोरा था आपका। हाँ यार, वो हिस्टोरिकल मोमेंट में कैसे भूल सकता हूँ। टेबल बजाकर क्लास प्रवेश, कैंटीन से जूस की बोतल लाकर खाली बोतल में कैंटीन से ही मिलने वाले चावल डाल दिए, उससे पैर मारे बिना मुझे एंट्री नहीं मिली थी क्लास में। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। अरे टॉपर है तू, तेरी मॉम पूरी दुनिया को साइंस पढ़ाती है और तुझे देखो। बट माय पेरेंट्स वर माय बिगेस्ट सपोर्ट। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, जो तेरा दिल करे वो कर, खुश रहना सबसे जरूरी है।
आप तो सेंटी ही होगे भैया, कम ऑन। और वो कक्कड़ का प्लेन वाला एपिसोड क्या तगड़ा ड्रामा हुआ था। मैथ्स के पीरियड में जब एक दिन ट्रिग्नोमेट्री से बोर होकर फॉर्मूलाज वाले पेपर का प्लेन उड़ाया था, बहुत मजा आया था यार। जैसे प्लेन विंडो से बाहर गया, अगले दो मिनट में हर विंडो से प्लेन की बारिश आने लगी। बेटे वो पनिशमेंट भूल गया जो प्रिंसिपल मैम आई थी पीछे से, क्या कहा था उन्होंने? आशीष, यू विल पिक ऑल द प्लेन्स फ्रॉम द ग्राउंड। और इसकी सबसे ज्यादा वाट तो तब लगी जब इसने अगले दिन बोला आज कोई प्लेन नहीं उड़ाएगा। चीटर थे सारे, अगले दिन सबने डबल प्लेन उड़ाए। दीपू और कक्कड़ कितने बुरे फंसे थे, पूरा दिन ग्राउंड से प्लेन इकट्ठे करते रहे। कभी नहीं भूलेंगे यार, क्या दिन थे वो। अरे यार दिवाली वाला इंसिडेंट याद है, कितना बुरा फंसे थे। और पता है हम सब बच जाते, किसी को पता नहीं चलता। वॉशरूम में बॉम्ब रख के आया और क्लास में आके कान पे हाथ लगा के बैठ गया और फिर पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। हाथ ही नहीं हटाया उसने। सूजा मैम को डाउट हो गया, इससे पहले मैम कुछ बोलती बम बम फट गया। मैं तो उसी टाइम समझ गई थी कोई ना कोई कांड तो जरूर हुआ है। और जो वाट लगी थी उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पनिशमेंट और असेंबली में क्या इज्जत मिली थी भाई। ओ मुझे तो खुद समझ आ गए। और पता है इतनी मार खाने के बाद भी अगले दिन चारों फिर स्कूल में हीरोपंती कर रहे थे। बाय गॉड यार, अनफॉरगेटेबल डे। अच्छा लगी शादी, आपके पास तो साइंस स्ट्रीम थी, जरा आप बताना आपके टेंथ में कितने परसेंट आए थे? 97%। पर 11th में कितने भाई? 98%। और 12th में? 99.99%। Cool topper थी मैं। फिर तो बना ली होगी कोरोना की दवाई तुम साइंस वालों ने। अच्छा हाँ वो याद है गोल्डन हेयर जो लेक्चर के टाइम भी पिछली सीट पर सोया रहता था। अच्छा वो प्रीतम मैम जिसे कहती थी तू तो किरयाने की दुकान ही खोलियो, बेचारा हर टीचर से डांट खाता था। किसको पता था यार कि देश एक दिन ऐसी मुसीबत में आएगा कि ये किराने वाले और दूध वाले देश को बचा के रखेंगे। दूध वाले से कुछ याद आया? दूध वाला भाई। पर उसका नाम दूध वाला कैसे पड़ा? स्कूल में पहली बार आया था साइकिल पे जो उसकी दूध वाले के पास ही होती वो वाली, तब से इसका नाम डीबी पड़ गया। सब बच्चे इसे डीबी डीबी बुलाते थे। पर उसे हमेशा से लगता था कि डीबी मतलब डैशिंग बॉय। कसम से अनफॉरगेटेबल डे। तेरी क्या वाट लगी थी जब तुम्हें वॉशरूम की वॉल टैप के पीछे स्लिप चुकाई थी। Who does that यार? अरे कौन से साल की बात कर रही है भाई, कौन सा सेमेस्टर? एग्जाम टाइम में मेरी एक बुक तो हाँ परमानेंट होती थी। याद है जब बीबी मैम ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा था? बीबी बोले तो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। हाँ वही तो। अब शक्ल से तो मासूम था ही यारों, पर पता नहीं क्या लोचा था, हर बार पकड़ा जाता था। पर भाई ने हार्ड वर्क करना कभी नहीं छोड़ा, दे पर्ची पे पर्ची। और जब पकड़ा जाता था कितनी भोली शक्ल बना लेता था। बेटा इसीलिए कहते हैं क्लास में सुना करो। कितने खूबसूरत दिन थे यार, कितना खूबसूरत था वो कल। यारो सही में बहुत याद आते हैं वो स्कूल वाले पल। सच में कभी वापस नहीं आएंगे वो दिन। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर वो शरारतें कभी नहीं भूलेंगे। सच में यार वो सच्चे झूठे किस्से यारों मानो जिंदगी का हिस्सा ही बन गए। The most memorable days of my life are school days. Thank you.
जलवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं।